मैं इरफान खटक, 51st बैच, नॉटिकल साइड। और आज हमने तैयब एजाज को यहाँ पर जो है ना रोका हुआ है और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तैयब एजाज मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं और यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह यहाँ के लिए जो है ना इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई है और काफ़ी जो है ना वीडियोस में इंफॉर्मेशन होती है मार्केटिंग के हवाले से, स्पेशली प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो आज हम तैयब एजाज से पूछेंगे कि वो मेरिनर्स के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं, मेरिनर के लिए ये क्या आइडियाज दे सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। तो ये बजाज हमारे ही बेज में 51st बेज से नॉटिकल साइड से थे। फील्ड उन्होंने अनफॉर्चुनेटली छोड़ दी थी, बट यहाँ जो है ना प्रॉपर्टी के हवाले से, मार्केटिंग की हवाले से ये काम कर रहे हैं। तो जी तैयब साहब, कैसे हैं आप? सबसे कैसा है आपका जी? आपका लास्ट टूर कैसा रहा, पहले ये बताएं उसका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जहाजी की जिंदगी कैसी गुजर रही है पहले ये तो बताएं। जहाज की जिंदगी तो सर बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ। अल्लाह का शुक्र है, सम टाइम्स यहाँ पे रहते हुए आई मिस दैट लाइफ वेरी मच। मुझे बहुत याद आता है, और जरूर अगर शायद मैं ये व्लॉगिंग ना कर रहा होता तो मैं जहाज से भी व्लॉगिंग कर रहा होता। अपना, हमारे जो कैप्टन जायद निसार साहब है उनकी तरह, वो वो भी कर, माशाल्लाह लेकिन काफी व्लॉग शायद करते नसीब की बात है, हमने तो अब हैं। साथ एक वक्त गुजारा है, बहुत टाइम में गुजारा इकट्ठे, लेकिन नसीब की बात है शायद वहां पे अक्सर मैं मिस करता हूँ कि शायद मुझे वो एक लाइफ जो है उस लाइफ का चाम अलग है, क्योंकि मैं अगर उस लाइफ पे होता तो मैं उसको विजुअलाइज बड़ा कर देना था इन टर्म्स ऑफ दिस यूट्यूब इकोनॉमी। लेकिन चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जहाँ पे मैं हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि ऑन अ लाइटर नोट अगर देखा जाए, दोज हु आर वेरी फिट ऑन सर्वाइवल ऑन द शिप, जो जबरदस्त जो सर्विस दे रहे हैं और सर्वाइवल के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे मस्ट कंटिन्यू। एंड दोस्त जो हमारी तरह थोड़े बहुत डगमगा से जाते हैं, एज फार एज सर्वाइवल इज कंसर्न, सर्वाइवल इज फॉर द फिटेस्ट। बिल्कुल और अगर वो समझते हैं कि उनका स्किल कहीं और पर वैलिड हो सकता है तो हो जाना चाहिए। मैंने पूरे करियर, मेरे पास अब 6 साल हो गए और काफी मेरीनर से रब्ता करते हैं, मैंने किसी मेरीनर को खुश नहीं देखा वहां पे, वो ये कह रहे होते हैं यार हमने किसी ना किसी तरह अब वापस आना। बिल्कुल तो देन आई डिसाइड कि ठीक है, ये मैंने जो अल्टरनेट करियर ऑप्ट किया है बेहतर है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है चल रहे हैं बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन सम टाइम्स आई मिस ट्रैवलिंग, सम टाइम्स आई मिस अलॉट, ये और बेशक मुझे वो बेशक। याद भी आता है। तो अब दोनों साथ पैरेलल लेके चलना नामुमकिन है ये सर सब। आप हमें जो है ना अपने फील्ड से क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हाँ मेरिनर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के हवाले से। मेरिनर्स मोस्टली वो लोग शिप पे होते हैं, उनके पास ऑब्वियसली पैसा होता है बट इन्वेस्टमेंट का वो सोचते हैं, बट वो काफी उनको जो है ना खौफ होता है इन्वेस्टमेंट यार मैंने 6 5 6 सालों में, जब से मैं इस वैसे सोशल मीडिया पे आया ना, 1.5 2 साल हो गए हैं, जितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया, अपने सीनियर से काफी ज्यादा रब्ता किया, कुछ जूनियर से भी किया है, और जो इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं वैसे यार मैंने जब उनकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज किया, उनको अच्छा खासा चूना लगा हुआ। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे जितने भी सीनियर हैं जी। जिनके हमने थोड़ी बहुत सर्विसेज दी हैं अप टू द मार्क जाके दी, सर्विस चार्जेस रखना ना रखने दैट्स अनदर पॉइंट, सीनियर से खुशी से कुछ सर्विस चार्जेस दे दें दैट्स अनदर पॉइंट, लेकिन मैंने स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में किसी सीनियर के नाम को एज अ क्लाइंट नहीं सेल किया जब मैंने उनको सर्विस दी है, ये अच्छी बस बात है। सिर्फ नंबर एक दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन जितने सीनियर जूनियर जो हमें रब्ता करते हैं, मेरा एक होता है कि यार ये मेरे सीनियर है ये मेरा जूनियर है, ये मेरी इज्जत ना खराब हो जाए। मेरी कोशिश हुई है कि सबसे पहले जो चीज़ कमिट की है वो तो कंप्लीट करके देना, वो तो अप टू द मार्क होनी चाहिए ना। कितने सीनियर हैं जिनके साथ मैंने सर्विसेज दी उनको, और वो उनको मैं हर महीने मैसेजेस कर रहा होता हूँ, सर आपके ये चीज कर रहा था, सर आपने ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की भी, आपकी ये इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, इसको आप अपडेट करें। सर्विसेज मैं मेरे देना भी मेरा हक है,